इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने इसका आंसर मार्क कर दिया था, मतलब आई कैलकुलेटेड द क्वेश्चन ओरली। आई टेल यू हाउ द क्वेश्चन इज सेइंग यस यू शुड टेक ए पॉज आफ्टर एवरी स्टेटमेंट एंड देन यू शुड मेक ए क्वेश्चन, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द क्वेश्चन इज कुछ पार्ट इस क्वेश्चन का मिसिंग है क्योंकि जो जिसने मेरे को क्वेश्चन भेजा था वो थोड़ा सा ठीक से फिगर नहीं आई थी, सो जस्ट ट्राई टू एडजस्ट। आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू ट्रेवल 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक 24 किलोमीटर की जर्नी है, एक पॉइंट ए है, देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ पॉइंट बी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 24 किलोमीटर एंड इट इज इन द रिवर। इट इज इन द रिवर, तो रिवर में दो चीजें होती हैं, एक स्ट्रीम होता है मतलब एक लहरों की स्पीड होती है और एक आपकी मोटर बोट की स्पीड होती है। जब आप लहरों की स्पीड के डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो तो योर स्पीड, योर नेट स्पीड इंक्रीजेस। सिंपल कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, योर नेट स्पीड इंक्रीजेस। आई एम सॉरी, उस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उस इस केस को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ योर लहर इज S and if the speed of boat is B, तो downstream में जो हमारी speed हो जाती है वो हो जाती है B plus S, और upstream में जो हमारी speed होती है बेटा वो B minus S होती है। Obvious सी बात है, जब आप upstream में आओगे तो आप इस direction में travel कर रहे हो but your stream is still in this direction, so your net speed will decrease and your downstream में आपकी net speed increase होती है। और एक चीज और, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। इनवर्स वेरिएशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सीधी सी बात है। जब मैं कम स्पीड से जाऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, जब मैं ज्यादा स्पीड से आऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कम टाइम लगेगा फॉर ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मोटर बोट है, यहाँ पे बी की वैल्यू 18 दी हुई है। इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू ऑलरेडी हमें 18 दी हुई है। तो अ मोटर बोट इज ट्रैवलिंग हैज ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू ट्रैवल अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम। मतलब उसने 24 किलोमीटर का डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया और एक घंटा उससे ज्यादा लगा जब वो अपस्ट्रीम में ट्रैवल किया रादर देन जब उसने डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल किया। इसका मतलब यह है, अगर मान लो डाउन स्ट्रीम में उसे 3 घंटे लगे थे तो अप स्ट्रीम में उसे 2 घंटे लगे हैं, तो इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट 1 आवर। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इक्वेशन बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। टाइम अप स्ट्रीम will be equal to 24 upon b minus s. Time upstream will be equal to 24 upon b minus s, which will be equal to 24 upon 18 minus s. ठीक है? Time downstream time downstream will be equal to 24 अपॉन 18 प्लस एस, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा हो जाती है, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24 अपॉन 18 माइनस एस माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एस इज इक्वल टू 1। अब जब मैंने इसको देखा ना तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि व्हाट विल बी द आंसर। How I guessed it, first I will tell you that, then I will explain you how the question will be done. देखो, यहाँ पे मुझे S की एक appropriate value ढूंढनी है, such that
उसका जो डिफरेंस है उसको जब मैं 24 से डिवाइड करूं, 18 माइनस एस को जब मैं 24 से डिवाइड करूं, और फिर वापस से जब मैं 24 को 18 प्लस एस से डिवाइड करूं, तो जो दोनों नंबर्स है उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 1 आने के लिए सबसे सबसे इजी थिंग है कि सर अगर ये किसी तरीके से 2 आ जाए और ये किसी तरीके से 1 आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। नाउ दिस यू आर नॉट सपोज टू राइट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ, ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो सर अगर ये 24 माइनस या अगर 18 माइनस एस, 24 अपॉन 18 माइनस एस अगर किसी तरीके से 2 हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। सर कैन आई टेक एस द वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 6? यस यू कैन। देखो अगर मैंने एस की, नाउ दिस इज अगेन अ टोटल हिट एंड ट्रायल आई कैन से, दिस इज अगेन अ टोटल नंबर क्रंचिंग आई कैन से। सो नाउ व्हाट आई विल डू, 24 अपॉन 18 माइनस 6 माइनस 24 अपॉन 18 प्लस 6, देखो ये क्या आता है, 24 अपॉन 18 माइनस 6 इज 2, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द सोल्यूशन, बट नाउ बट स्टिल माई क्वेश्चन इज अनसॉल्व्ड। Still my question is unsolved. How I will solve the question? अब उसे देखो कि question को मैं कैसे solve करूँगा। 24 upon 18 minus s minus 24 upon 18 plus s is equal to 1. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, cross multiply कर दो। एक तो ये वन वेरिएबल का है और कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल बी 24 इनटू 18 माइनस 18 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। क्या किया मैंने सर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 24 इंटू 18 प्लस एस माइनस 24 इंटू 18 माइनस एस, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ट्वेंटी फोर इंटू 18 प्लस एस माइनस 18 माइनस एस विल बी इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। मैंने क्या किया है, मैंने 18 प्लस एस को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, 18 माइनस एस को यहाँ पर लेकर आया हूँ, 24 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये 18 प्लस एस है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो इस ये जो प्लस साइन का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 18 हो जाएगा, ये जो माइनस एस है ये प्लस एस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कितना होता है बेटा, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो दिस आई हैव रिटन डायरेक्टली, सो व्हाट आई विल हैव, 24 into 2s will be equal to 18 square minus s square. So I will have s square minus 48s plus 324 is equal to 0. S square minus 48s plus 324 equal to 0. इस equation को जब आप लोग solve करोगे तो आपके पास दो roots आएंगी। एक root आएगा s equal to 6 और दूसरा आएगा s इक्वल टू माइनस 54। कैसे सर आपने ऐसा क्विकली कैसे कर दिया? देखो सर मैंने ऐसा क्विकली इसलिए किया क्योंकि मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। जब मैंने 54 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मुझे पता है कि 324 जो है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द यू विल यू हैव टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ दोस पार्ट्स इज माइनस 48 एंड द प्रोडक्ट इज minus 32. Here there is a problem. The problem is, इसका जो sign है, ये negative होगा. S square plus 48. That was the problem. There was a problem in the equation. And the problem was this, कि यहाँ पे sign जो है वो negative हो जाएंगे. The equation will be like this. This will be positive and this will be negative. Let me just correct the equation. This will be positive and this will be negative. ठीक है? अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू आएगी s इक्वल टू 6 और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास s इक्वल टू माइनस 4। सो यू आर नॉट सपोज टू टेक द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू माइनस 54, यू आर सपोज टू टेक द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 6 ओनली। ये मैं फाइनल रूट्स बता रहा हूँ,
वैल्यूज नहीं बता रहा हूँ, तो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. ऑल दो दिस क्वेश्चन वॉज टेकन एज इन द क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट मोर और लेस इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अगेन वी हैव टू स्टडी डैट ऑल्सो. सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर्स पर आवर.